रे ऑप्टिक्स के वार्म अप मैच के अंदर आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मिरर, ऑब्जेक्ट का अगर मुझे इमेज बनाना है तो एटलीस्ट दो रेज यहाँ से पास करिए। पहली ऐसे गई, ये नॉर्मल लाइन है, यहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी ऐसे गई रिफ्लेक्ट होकर कैसे आ रही है, और दोनों जो रेज रिफ्लेक्टेड है वो यहाँ कहीं पर टकरा रहे हैं, मतलब कि ये उसका इमेज है। अच्छा, इमेज के डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट किया, सी का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, और फोकस यानी कि फोकल लेंथ आपका क्या हो गया, एफ हो गया। अब बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल बीटा है, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, यानी यहाँ से अगर मैंने थीटा को सब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मैं ट्रायंगल देखूंगा सी ओ डैश आई, तो एक्सटीरियर एंगल आपका गामा है, तो यहां से वापस थीटा को सब्जेक्ट बनाया तो ये आ गया। अगर मैं दोनों इक्वेशन में थीटा थीटा को कंपेयर करूं तो फिर मुझे ये इक्वेशन मिलता है, मतलब कि 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। दैट्स वेरी सिंपल। अगर मैं टेन अल्फा देखूं तो इस डायग्राम में देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये डिस्टेंस को हम बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस इसलिए इग्नोर कर सकते हैं, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि दैट इज यू। तो अल्फा टेन अल्फा कोई अल्फा लिखा जा सकता है बिकॉज बहुत स्मॉल एंगल होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू इतना आ गया, बीटा आपका इतना आ जाएगा, इसी तरीके से गामा आ जाएगा। जब तीनों वैल्यू आप यहां सेट कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आता है 1/f = 1/u + 1/v। इसी तरीके के फास्ट एंड फॉरवर्ड फिजिक्स के रिवीजन वीडियोस के लिए मैं शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।